दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, ये हमारा रीसेलर स्टोरी प्रोग्राम है जो कि हमारा बहुत टाइम से चल रहा है। कई एपिसोड अब तक आ चुके हैं। इसमें हम रीसेलर्स के साथ जो घटनाएं होती हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं, उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी ट्रस्टेड रीसेलिंग और अर्निंग एप्लीकेशन है उन सभी के लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो आपको पता है यार, रीसेलर बहुत सारे हैं। ऐसे ही एक रीसेलर था, उन्होंने मेरी वीडियो देखी हाई बॉस वाली और हाई बॉस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया। अब हाई बॉस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उन्होंने हाई बॉस के प्रोडक्ट फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह पर शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने एक हेडफोन देखा 600 रुपये का। अब 600 रुपये का हेडफोन उन्होंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर पोस्ट कर दिया सेल करने के लिए। अब वहाँ से आए उनके पास कस्टमर, एक कस्टमर ने ऑर्डर लगवाया उस हेडफोन का। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है ऑर्डर लगा देते हैं। उन्होंने क्या किया, हाई बॉस में गए और ऑर्डर लगा दिया। सुबह के 9 बज रहे होंगे जब उन्होंने ऑर्डर लगाया, शाम के 5 बजे प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। 600 रुपये का जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था हेडफोन, वो 5 बजे डिलीवर हो गया। आप कहोगे कि 9 बजे ऑर्डर लगाया और 5 बजे डिलीवर हो गया, तो ये क्या स्टोरी हुई। अब स्टोरी यहाँ से असली स्टोरी शुरू होती है। 5 बजे जब प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो उसके पास जो पहुँचा वो सैमसंग का जो 130 रुपये वाला नकली वाला ईयरफोन होता है ना, वो पहुंचा उसके पास। मतलब 600 रुपये का प्रोडक्ट की जगह वो 130 रुपये वाला ईयरफोन उनके पास पहुंचा। अब वो हुआ क्या, उन्होंने तुरंत जो कस्टमर था तुरंत इनको मैसेज किया जो रीसेलर थे कि ऐसे ऐसे ये तो आपने 130 रुपये वाला सैमसंग का ईयरफोन भेज दिया, हमने तो हेडफोन ऑर्डर किया था 600 रुपये का। तो इन्होंने सोचा कि एक बार एप्लीकेशन में चेक करूं। कन्फ्यूजन तो इनको भी हुआ कि एक दिन में डिलीवर कैसे हो सकता है, 9 बजे ऑर्डर किया तुरंत शाम को डिलीवर हो गया, कम से 2-3 दिन तो कम से कम लगते हैं, 3 दिन तो। तो इन्होंने अपने हाईवॉस एप्लीकेशन ओपन किया, ऑर्डर सेक्शन में गए, ऑर्डर सेक्शन में दिखाई नहीं रहा कि डिलीवर हुआ है, वो अभी दिखा रहा है कि फैक्ट्री से पैक हो रहा है। अब भाई ये बड़ा इशू। उधर जो कस्टमर था वो बिगड़ गया, वो बोल रहा कि नहीं मैं FIR कर दूंगा, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। और दूसरा उस एप्लीकेशन में जो हाई वॉस का एप्लीकेशन उसमें दिखा रहा था कि अभी तो फैक्ट्री से ही नहीं निकला, अभी पैकेजिंग हो गई है, मतलब शिप होने के लिए तैयार है, उसमें ये दिखा रहा। अब इन्होंने क्या किया कि हाई वॉस की टीम से बात करें, तो इन्होंने मैसेज किया उन्हें कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से तो अभी प्रोडक्ट सेंड ही नहीं हुआ, हमने तो अभी पैक करके शिप किया है और अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ। तो अब कस्टमर बड़ा परेशान, बीच में फंस गया भाई। कस्टमर को ये टेंशन कि इन्होंने धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। और जो रीसेलर था वो ये सोच के परेशान, यार हाई बॉस ने भेजा नहीं तो प्रोडक्ट किसने भेज दिया, और किसको कैसे पता चल गया किसी को कि ये ऑर्डर मैंने लगाया है, और कैसे किसी और ने उसकी डिलीवरी करा दिया, ऐसे फ्रॉड कर दिया। तो ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये बस एक इतनी सी स्टोरी थी, जो रीसेलर था उसने अपनी जेब से पैसे देके केस सॉर्ट आउट कर दिया वहाँ पे। लेकिन ये होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप क्या करते हो कि अपने मोबाइल में बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हो, और जो क्या करते हैं आपके वेब व्यू और स्क्रीन इमेज इन चीज़ों को आप रिक्वेस्ट मांगते हैं कि आप अलाउ करिए जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। तो जब आप इंस्टॉल करते हो तो अलाउ करते चलते हो, वहाँ पे आपसे एसएस मांग लिया जाता है आपके मोबाइल फ़ोन का। तो कुछ एप्लीकेशन तो ट्रस्टेड हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या इसके अलावा भी जो है, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हो जो गूगल से करते हो। एक बात आप हमेशा याद रखिए, गूगल में जो एप्लीकेशन डाले जाते हैं वो सिर्फ वही एप्लीकेशन डाले जाते हैं जिनको प्ले स्टोर डालने नहीं देता। वो गलत एप्लीकेशन होते हैं, बेकार एप्लीकेशन होते हैं, फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, उनको प्ले स्टोर अलाउ नहीं करता। तो वो लोग क्या करते हैं, वो गूगल में डाल देते हैं नई नई वेबसाइट बना के। तो अगर आपने ऐसा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया और जितनी उसने परमिशन मांगी वो आपने अलाउ कर दी, तो आपके फ़ोन का एसएस उन लोगों के पास पहुंच जाता है। अब उन्होंने देखा कि मीशो से या हाई बॉस से आप कहीं से भी ऑर्डर लगा रहे हो, तो वो क्या करेंगे, जैसे हाई बॉस आपके फ़ोन में पड़ा है और आप रीसेलिंग करते हो, तो वो लोग जिन्होंने आपका फ़ोन पूरा एक तरह से हैक करके रखा है, भले ही आपके परमिशन से हैक किया है, क्योंकि आपने अलाउ किया है तो आपने परमिशन खुद ही दी है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी हाई बॉस डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप ऑर्डर लगाओगे वो आपके ऑर्डर को देख लेंगे कि कौन सा ये प्रोडक्ट है, तो आपके ऑर्डर को या तो कैंसिल कर देंगे,
और क्या करेंगे, खुद ऑर्डर लगा देंगे उस प्रोडक्ट का कॉपी। जैसे कोई 600 का प्रोडक्ट है, 300 रुपये का एड्रेस आपके वाला उनके पास होता है, तो अपने एप्लीकेशन से ऑर्डर लगा देते हैं और आपका हो जाता है कैंसिल। नहीं तो ऐसे कुछ लोग खुद के प्रोडक्ट भी सेंड कर देती हैं, जिससे कि जल्दी सेंड हो जाए और वहाँ से ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसे कमा लिए जाए। तो जैसे हुआ क्या था इनके साथ, वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये रीसेलर ने कोई ऐसा ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, उसके बाद पूरा ऐसे ऐसे इन्होंने दे दिया। उन्होंने क्या किया कि देखा कि इन्होंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है इस एड्रेस के लिए, तो जिसने वो उनका पूरा सिस्टम हैक करके रखा था, उसने क्या किया कि अपनी तरफ से 130 रुपये वाला हेडफोन भिजवा दिया और उसके बदले 600 रुपये ले लिए। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने जो गूगल प्ले स्टोर में नहीं है, केवल प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन यूज करो। और दूसरी चीज़, कभी भी जो आपको मेल पर फालतू के लिंक आते हैं उन पर क्लिक नहीं करना, आपको मैसेज में लिंक आते हैं उन पर क्लिक नहीं करना, वो लोग हैक कर लेते हैं आपके डिटेल को। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और आप सिक्योर रहें। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है, उसकी एक दिन की फ्री डेमो क्लास लेने के लिए व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर एक दिन की ट्रेनिंग पसंद आए तो आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो कोई बात नहीं, एक दिन का ज्ञान जरूर लीजिए। तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आगे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।